नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले UPCHO का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस 2021 का, इसके बारे में पार्ट सेकेंड्स के बारे में इसमें बात करेंगे। ओके, 25 क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर चुके हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में यहाँ से डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ये 2021 का पेपर है। ओके, 12:30 से 2:30 बजे का पेपर है और UPCHO का पेपर है जो नेक्स्ट एग्जाम CHO का आने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो सेकंड सब्जेक्ट होने वाला मेडिकल, जो नेक्स्ट सेक्शन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इनका डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इज द सेलुलर कंपोनेंट्स डेट हाईली स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी, तो चार ऑप्शन है, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा एंड द साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर है इसके अंदर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स इज द सेलुलर कंपोनेंट्स डेट इज हाईली स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी। स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी के लिए हाईली स्पेसिफाइड कंपोनेंट कौन सा होता है सेल के अंदर, वो होता है ऑर्गेनल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स शुड बी असेस्ड इन द पेशेंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन विथ ए हार्ट रेट ऑफ द 150 बीट्स पर मिनट्स। फोर ऑप्शन है, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, हाइपरटेंशन एंड हेडेक, फ्लैट नेक वेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो राइट आंसर है इसके अंदर, तो पेशेंट क्या हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट रेट जा रही है 150 के पास में। तो साइन सिम्टम उसका क्या रखा गया है, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, इसका राइट आंसर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन इडिमा, कौन सा फॉलोइंग मेजर है उसको यूज करते हुए अपन ब्रेन इडिमा को ठीक किया जा सकता है, एक्सेप्ट, या आपको याद रखना एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, हाइड्रोकोर्टिसोन, मेनिटोल इन्फ्यूजन, हाइपर वेंटिलेशन और डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। तो एक्सेप्ट दिया गया है मतलब ब्रेन एडिमा को डिक्रीज करने के लिए इन चारों जो कंपोनेंट है इनमें से कौन सा ब्रेन एडिमा को डिक्रीज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट का मतलब। तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, क्योंकि ब्रेन एडिमा को डिक्रीज करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन, मेनिटोल इन्फ्यूजन एंड हाइपर वेंटिलेशन तीनों का यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। द गुड स्मार्टन लॉ 30 मार्च 2016 स्टेट दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु एड एक्सीडेंटल विक्टिम्स वेन ऑफ ड्यूटी ओके डेथ फॉर अनटुवर्ड्स रिजल्ट रिलेटेड टू हिज एक्शन विल बी लाइबल्स इफ फाउंड नेग्लिगेंट विल बी लाइबल और विल बी पार्शियली लाइबल और विल नॉट बी लाइबल। तो राइट आंसर इसका विल नॉट बी लाइबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। साइटोलॉजी, ओके, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द सेल। तो नेफ्रोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइटोलॉजी और हिमेटोलॉजी। तो यहाँ पे साइटोलॉजी राइट आंसर बोला गया कि सेल की स्टडी ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। द फाइनल फेज ऑफ द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इज, तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की जो फाइनल फेज होती है वो कौन सी होती है, हीलिंग, ओके, फेगोसाइटोसिस और एक्सुडेट फॉर्मेशन, टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो राइट आंसर यहाँ पे हीलिंग रहने वाला है, फाइनल फेज ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की फाइनल फेज है हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। Which of the following is an immediate post-operative complications that can be happen in any kind of operation? Post-operative complication जो कि कोई से भी operation के अंदर देखने को मिल सकता है, shallow respiration, shock, pneumonia, bronchitis due to infection। तो right answer है shock, okay? जो कि immediate post-operative complications कोई से भी operation में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ इफेक्ट्स सच एज मूड एनहेंसमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज,
एंटीएमेटिक एक्टिविटीज एंड एपेटाइट स्टिमुलेशन। तो कौन सी ड्रग्स है जो वेरियस इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मूड एनहेंसमेंट भी करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी करती है और एंटी एमेटिक एक्टिविटी प्लस एपेटाइट स्टिमुलेशंस का काम भी यहाँ पे करती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट और एंटी डिप्रेसेंट और कोर्टिको स्टीरोइड्स। तो कोर्टिको जो स्टीरोइड है वो सारे एक्शन यहाँ पे कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन्वायरमेंटल हाइजीन। ओके, तीनों को यहाँ पे कंबाइंड करके इनके क्वेश्चंस को यहाँ पे पेश किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो विच बैरियर टू एजुकेशन एक्सप्लेन द लैक ऑफ फेथ इन द हेल्थ सर्विस, डेनाइल ऑफ द हेल्थ नीड्स एंड अप्रेंशन अबाउट द सर्विस, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एटीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल। तो राइट आंसर इसका एटीट्यूडनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट कोज हेल्थ एंड हाइजीन इश्यू इन इंडिया। चार ऑप्शन है, लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन, लेक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इग्नोरेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो राइट आंसर है यहां पे लेक ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, चेंजेस इन हेल्थ बिहेवियर एंड इम्प्रूवमेंट्स इन पीपुल्स हेल्थ स्टेटस कैन बी अचीव्ड थ्रू, चार ऑप्शन है, द हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच, द सर्विस अप्रोच, द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। राइट आंसर है यहां पे हेल्थ द रेगुलेटरी अप्रोच। ओके, चेंजेस इन द हेल्थ बिहेवियर एंड एन इम्प्रूवमेंट इन द पीपुल हेल्थ स्टेटस कैन बी अचीव्ड थ्रू द रेगुलेटरी अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप फॉर डेवलपिंग ए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। कौन सा स्टेप है जो डेवलपिंग ए हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, डिस्कस ऑन ट्रीटेबल डिजीज, ऑर्गेनाइज ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्ट, डिस्कस जनरल हेल्थ इंटरेस्ट, कॉल द ग्रुप एट योर ओन कन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है एक ग्रुप को जो कि सेम, जो कॉमन इंटरेस्ट वाले हो, एक ही इंटरेस्ट वाले ग्रुप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि उनका जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम है हेल्थ का उसको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन प्रोसेस का स्टेप कौन सा है, चार ऑप्शन है, गुड ट्रांजिशनल रिलेशन, ओके, और लर्निंग बाय डूइंग ओनली, और रीइन्फोर्समेंट एंड आइसोलेशन। राइट आंसर है इसका रीइन्फोर्समेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन का स्टेप है रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अप्रोच फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन। जो इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन अप्रोच है उसका कौन सा इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ग्रुप अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच, मास अप्रोच और इंडिविजुअल अप्रोच। तो यहाँ पे टेक्निकल जो अप्रोच है वो इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन अप्रोच है, उसका पार्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियर चेंजेस प्रोसेस। बिहेवियर चेंजेस प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एटीट्यूड्स और लिटरेसी। तो लिटरेसी यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द कंसेप्ट यूज टू व्यू हेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज, इकोलॉजिकल और साइकोसोशियल, होलिस्टिक एंड बायोमेडिकल। तो यहाँ पे राइट आंसर है बायोमेडिकल। द बायोमेडिकल कंसेप्ट यूज टू व्यू हेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ द डिजीज। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आने वाला है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ओके, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द पेशेंट एक्सपीरियंस परसिस्ट थॉट और इंपल्स दैट द रिकॉग्नाइज
एन इरिटेशनल बट कैनॉट कंट्रोल और प्रिवेंट। एक पेशेंट है, उसको परसिस्ट थॉट, बार बार थॉट और इम्पल्स आ रहा है। कि एग्जाम्पल क्या होता है, कोई पेशेंट है उसको बार बार हैंड वॉश करने का थॉट आ रहा है, ओके, और इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं कि उसका हाथ डर्टी है, उसको हैंड वॉश करना है। तो वो किस प्रकार की डिजीज के लिए होता है, वो मैं चार ऑप्शन है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो यही होता है कि पेशेंट को बार बार एक ही थॉट को बार बार रिपीट होता है, थॉट और इम्पल्स बार बार रिपीट होते हैं, ओके। जैसे एक एग्जांपल लॉक का, कि वो अपना रूम का लॉक बंद करना भूल गया है, और एक होता है हाथ डर्टी है और उसको बार बार वो रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो अमेरिकन साइकेट्री की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है, चारों में राइट आंसर है बेंजामिन रूस। तो राइट आंसर इसका सबसे ईजी है, जिसको याद भी आपको रखना है कि अमेरिकन साइकेट्रिक की स्थापना किसने की थी, बेंजामिन रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेस इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक सिस्टम अफेक्टेड बट दे आर प्राइमरी कॉज्ड एंड मेंटेन्ड बाय साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स रादर देन ऑर्गेनिक वन। चार ऑप्शन है, साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो राइट आंसर इसका यही है, साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोज ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर का कोज क्या रहने वाला है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उसका मेन कोज है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कौन सा मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस के बारे में एक गलत धारणा है। चार ऑप्शन है, फर्स्ट बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल इलनेस शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ओके, जो कि गलत है। मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ओके, ये तो राइट आंसर है। और मानसिक स्वास्थ्य ये सही बात है, और मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है, ओके। सामान्य लोग असामान्य हो सकते हैं जो कि मेंटल इलनेस के अंदर हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का उपचार असाइलम में नहीं होता है, ये भी गलत है। तो ये राइट है, मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो जिसके बारे में गलत अवधारणा यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मनुष्य के मूल प्रवृत्ति प्रेरणाओं का स्रोत है, ओके, अभिमान, अहम, प्राहम और पहचान, मतलब प्राइड, ईगो, सुपर ईगो और इड। तो यहाँ पे इड है जो कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति प्रेरणाओं का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ओडेस इन नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण चिकित्सक और पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य सृजनात्मक, रचनात्मक, उत्पादक, व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की दिशा में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। किसने बोला था, और हिल्डेगार्ड ई पेप्लो ने, ओके, ऐसा इसने जो साइंटिस्ट इसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एंजाइटी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एंजाइटी से रिलेटेड कौन सा ये कथन है जो सत्य है। एंजाइटी एकमात्र भावना है जो नकारात्मक होती है। एंजाइटी का कारण व्यक्त किया जा सकता है। एंजाइटी और भय समान है, केवल उच्च स्तर की एंजाइटी ही होती है। तो राइट आंसर इसका, एंजाइटी एकमात्र भावना है जो नकारात्मक होती है, ओके। तो फ्रेंड्स ये टोटल इसमें भी 25 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट 25 क्वेश्चंस का सीरीज। नेक्स्ट पार्ट थर्ड के अंदर यूपीसीएचओ का क्वेश्चंस पेपर लेके आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।